नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। हम सब ने सुना होगा कि पहले अपनी पसंद के लड़कों के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला करने वाली लड़कियों के माता पिता या रिश्तेदारों द्वारा उनके मारे जाने की खबरें ज्यादा आम हुआ करती थी, लेकिन अब उनका साथ देने का वादा करने वाले उनके साथी भी उनका खून कर रहे हैं। अब भरोसा किया जाए तो किस रिश्ते पे किया जाए? पहले खून के रिश्ते प्यार के लिए अपने नहीं थे, अब अपने खून के रिश्तों को प्यार के लिए भुलाया जाता है और वो प्यार ही आपका खून कर जाता है। एक के बाद एक वारदातें लोगों को हैरत में डाल रही हैं। ऐसे में सवाल है कि प्रेम में डूबी बहादुर लड़कियों का हिंसक रिश्ते से बाहर निकलना जरूरी है और क्यों जरूरी है? जिन चीजों का ख्याल उन्हें रखना चाहिए, जैसे कि हाल ही में मुंबई से एक लड़की की हत्या की दिल दहला देने वाली खबर ने सभी को झंझोड़ कर रख दिया। प्रेमी ने टुकड़े किए, कुकर में उबाला, कुत्तों को खिला दिया। ऐसी ही पिछले 6 महीनों के दौरान अनेक खबरें सामने आई, जहां लिव इन रिलेशनशिप में रह रही लड़कियों की हत्या उन्हीं के प्रेमी साथियों ने की। पहले लड़की की हत्या, फिर शव को काटना, काटने के लिए तरह तरह के तरीके और औजारों का इस्तेमाल करना, कटे हुए शरीर के साथ उसी घर में रहना, फिर बारी बारी से शरीर के हिस्सों को ठिकाने लगाना, उन्हें जलाना, उबालना, फेंकना, कुत्तों को खिलाना, यहां तक कि सूटकेस में भरकर फेंक देना, फ्रीजर में डाल देना, और ये सब उस लड़की के साथ जिसने कभी उसके साथ जिंदगी गुजारने का सोचा था। क्या यह सब इतना आसान होता है? क्या लड़कों के दिमाग पर कोई फितूर सवार होता है? सबसे पहला सवाल, क्या लड़कों और मर्दों ने कभी प्रेम करती या प्रेम में डूबी लड़कियों की आंखें देखी हैं? अगर देखी हैं, तो मोहब्बत और भरोसे से भरी उन नजरों के साथ धोखा कैसे किया जा सकता है? जरा सोचिए, हम कितना बड़ा जुर्म कर रहे हैं। कोई भरोसा करता है, हम खंजर भोगते हैं, खंजर ही नहीं कुत्तों को खिला देते हैं। दरअसल ज्यादातर लड़कों और मर्दों को प्रेम करना नहीं आता, वे प्रेम में अलवला कर और घमंडी भी हो जाते हैं। वे खुद को विजेता समझते हैं, वे प्रेम को जीतना चाहते हैं। वहीं क्या आप जानते हैं कि लिव इन में रहने वाली लड़कियां इतना होने के बाद कितनी बहादुर होती हैं? जैसे कि हमारे समाज में लड़की के लिए शादी सामाजिक हिफाजत की छतरी ही नहीं, बल्कि सामाजिक इज्जत और रिश्ते की मान्यता पाने का भी जरिया है। ज्यादातर लड़कियों की जिस तरह परवरिश की जाती है, उसमें उनके होने या उनकी जिंदगी का मकसद शादी बना दिया जाता है। इसलिए शादी की रस्म के बिना या लिव इन रिश्ते में लड़के के साथ रहना, लड़की का यू रहना ही एक ही बात नहीं है, लड़की का ऐसा रहना बहुत बहादुरी का काम है। समाज से लड़ना, घर से लड़ना, किसी पर भरोसा करना और बाद में मौत के घाट उतर जाना। वैसे लिव इन बड़ा फैसला है। आमतौर पर नौकरी करती लड़कियों को लगता है कि वे अब ऐसे फैसले ले सकती हैं और वो लेती भी हैं, लेकिन पैरों पर खड़े होने का मतलब महज नौकरी या आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर होना नहीं है। सशक्त होने की सबसे पहली शर्त होनी चाहिए दिमागी तौर पर आजाद, सशक्त, मानसिक गुलामी से आजाद जिंदगी। अगर लड़कियों ने अपने घर वालों से आजाद होकर अपने हित में फैसला लिया, तो उन्हें अपनी जिंदगी के हर फैसले में यही आजादी बरकरार रखनी चाहिए। मोहब्बत में किसी भी तरह की हिंसा की जगह नहीं हो सकती। हिंसा का मतलब सिर्फ देह पर पड़ने वाली चोट नहीं है, मारना पीटना नहीं है, मन पर होने वाला वार भी है, दिमाग को परेशान करने वाली बात भी है। हिंसा को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करने की आदत डालनी होगी। रिश्ते में एक बार हिंसा को जगह मिली तो वे पांव पसारने लगती है। लड़कियों को यह भी जानना चाहिए कि ऐसे रिश्ते से जितनी जल्दी हो सके बाहर निकला जा सके। देश में एक के बाद एक लिव इन रिलेशनशिप में धोखा और मर्डर की वारदातें सामने आ रही हैं, जहां पर ना जाने किस तरीके के केस
सामने आते हैं और दुनिया को झंझोड़ कर रख देते हैं। ऐसे में जो लड़कियां अभी भी अपनी भूल को सुधार सकती हैं, उनकी जिंदगी बच सकती है। ऐसी तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।